हेलो स्टूडेंट्स, क्लास सेवन्थ, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे वी विल स्टडी चैप्टर नंबर थर्ड, सब्जेक्ट इज हिंदी रीडर। आज हम हिंदी रीडर का चैप्टर नंबर थर्ड पढ़ेंगे। चैप्टर वन और टू हमने वैकेशन से पहले, हॉलीडे से पहले कंप्लीट कर लिए थे। चैप्टर नेम इज आदर्श माता जीजाबाई। जीजाबाई कौन थी? जीजाबाई छत्रपति शिवाजी की माता थी और उन्होंने अपने बेटे को, छत्रपति शिवाजी को, बहुत अच्छे संस्कार दिए थे, तो इसलिए उनको आदर्श माता कहा जाता है। तो ये जीजाबाई की कहानी है जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सो लेट्स वी स्टार्ट टुडे चैप्टर। संतान के चरित्र निर्माण में उसकी माता की प्रमुख भूमिका होती है। अपने बालक को जिस सांचे में ढालना चाहती है वह उसी में ढल जाता है। जीजाबाई ऐसी आदर्श माता थी। उन्होंने अपने पुत्र शिवाजी को ऐसी शिक्षा प्रेरणा दी कि उससे प्रेरित हो वे मराठा राज्य की नींव डाल सकें। जीजाबाई देवगिरी के यादव लखुजी जाधव राव की पुत्री थी। जाधव राव अहमदनगर के निजाम शाह के दरबार में प्रभावशाली सरदार थे। उनके अधिकार में 10,000 सवार थे जिनके खर्चे के लिए पर्याप्त जागीर मिली हुई थी। कहते हैं कि जो माता होती है वो अपने बच्चे का भविष्य बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। यानी कि जो हमें अधिकतर जो हमें संस्कार मिलते हैं वो अपने माता से मिलते हैं, क्योंकि हम अपने माता के साथ ज़्यादा समय गुजारते हैं, पिताजी के साथ और परिवार के अन्य सदस्य के साथ कम। तो हम अपनी माता से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो जीजाबाई ऐसी ही माता थी। उन्होंने अपने बेटे शिवाजी को ऐसे ही संस्कार दिए थे जिससे वो वीर यानी कि बहादुर बन सके और उन्होंने मराठा साम्राज्य की नींव डाली। यानी कि जो अंग्रेजों ने मराठा राज्य को गुलाम बना लिया था उसको उन्होंने अंग्रेजों से क्या करा था, गुलामी से छुड़वाया था। तो यानी कि उन्होंने स्वतंत्र करवाया था मराठा साम्राज्य। तो जो जीजाबाई थी वो देवगिरी के यादव जी लखुजी जाधव राव की पुत्री थी। जाधव राव अहमदनगर के निजाम शाह के दरबार में प्रभावशाली सरदार थे। उनके अधिकार में 10,000 सवार थे जिनके खर्चे के लिए पर्याप्त जागीर मिली हुई थी। जाधव राव की सेना में मालोजी भोसले नामक एक साधारण सैनिक था। एक बार होली के अवसर पर जाधव राव के यहाँ बहुत से सैनिक एकत्रित हुए थे। मालोजी के साथ उनका 5 वर्ष का पुत्र शाहजी भी था जो बड़ा सुंदर था। जाधव राव ने इस बालक को बड़े प्रेम से अपनी गोद में बिठा लिया। उस समय उसकी उम्र 3 वर्ष थी और उनकी पुत्री की जीजाबाई भी वहाँ गई। उन्होंने उसे गोद में बिठा लिया। दोनों बालक वहाँ रखा हुआ अबीर गुलाल उठाकर एक दूसरे पर छिड़कने लगे। जाधव राव बालक की इस क्रीड़ा को देखकर हर्ष विभोर उठे और उनके मुंह से निकला, यह जोड़ी कितनी सुंदर है। जाधव राव ने यह बात हंसी में कही थी, परंतु वे उठकर खड़े हो गए और बोले, आप सब लोग साक्षी हैं, आज से मालोजी हमारे समधी हुए। उत्सव समाप्त होने के बाद जब जाधव राव ने अपनी यह बात पत्नी को बताई तो वह क्रोध में आकर पति से बोली, इस साधारण सिपाही के पुत्र के साथ मेरी पुत्री का विवाह नहीं हो सकता। दूसरे दिन जाधव राव ने मालोजी को नौकरी से निकाल दिया। मालोजी अपने गांव को लौटा और खेती करने लगी। जो उनकी जो माता थी, जीजाबाई की माता थी, उन्होंने कहा कि मेरी पुत्री का विवाह एक साधारण सैनिक के पुत्र से नहीं हो सकता। तो जो इनके पिताजी थे उन्होंने क्या करा, मालोजी को नौकरी से निकाल दिया। वो गांव आ गए और खेती करने लगे। कालांतर में मालोजी धनी और संपन्न हो गए। इस संबंध में एक कथा प्रसिद्ध है। एक दिन मालोजी ने एक विशाल सर्प को बिल से बाहर आते हुए और थोड़ी देर बाद फिर उसी में घुसते हुए देखा। उन्होंने सुन रखा था कि सर्प जो है जमीन में गड़े हुए धन की रक्षा करते आते। उन्होंने इस बिल को खोदना शुरू करा। उसमें उन्होंने स्वर्ण मुद्राएं से भरी लोहे के साथ कड़ाइयाँ मिली। इस धन से उन्होंने बहुत से तालाब कुएं बनवाए, बहुत से मंदिरों का निर्माण करवाया। थोड़े ही दिनों में मालोजी की ख्याति इतनी फैल गई कि निजाम शाह ने उन्हें सेनापति बनाया और उन्हें शिवनेर चाकर सुपादी की जागीर दे दी। अब निजाम शाह के कहने पर जाधव राम ने अपनी पुत्री जीजाबाई का विवाह मालोजी के पुत्र शाहजहां भोसले से कर दिया। इस विवाह में स्वयं निजाम शाह भी उपस्थित थे। इस समय मराठों की स्थिति बड़ी शोचनीय थी। वे भाड़े के सिपाही थे। उन्हें कभी दिल्ली के मुगल सम्राट की ओर से, कभी दक्षिण के मुसलमान बादशाहों की ओर लड़ना पड़ता। निजाम शाह सुल्तान द्वारा धोखे से जीजाबाई के पिता और भाई का वध भी किया गया था। इससे जीजाबाई दुखी थी। वे इन दिनों शिवनेर के दुर्ग में रहती थी। उन्होंने दुर्ग की अधिष्ठात्री शिवाई देवी से प्रार्थना की कि मुझे ऐसा वीर पुत्र प्राप्त हो जो महाराष्ट्र में एक स्वतंत्र मराठा साम्राज्य की स्थापना कर सकते। यानी कि उन्होंने अपनी कुल देवी जो थी शिवाई देवी, उनसे प्रार्थना की, मुझे एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो हमारा जो
मराठा राज्य है जो अंग्रेजों के अधीन है उसको वो स्वतंत्र करा सके। 10 अप्रैल सन 1627 1627 ईस्वी को जीजाबाई ने एक पुत्र रत्न को जन्म दिया। उन्होंने शिवाई देवी के नाम पर ही उन्होंने उसका नाम शिवाजी रखा। यही बालक आगे चल के छत्रपति शिवाजी के नाम से विख्यात हुआ और उसने अपनी माता के स्वतंत्र महाराष्ट्र राज्य के स्वप्न को भी पूरा किया। माता जीजाबाई बड़े प्रेम से बालक शिवाजी को पूर्वजों के शौर्य और देश के प्राचीन वैभव की कहानियां सुनाती और उनके हृदय में साहस वीरता और महत्वाकांक्षा की भावना भरती। रामायण और महाभारत की कहानियां शिवाजी बड़े चाव से सुनते, फलस्वरूप कथा पुराण सुनने और देवताओं के आस्था रखने की उनकी प्रवृत्ति बाल्यकाल से ही हो गई थी। इस प्रकार माता जीजाबाई की शिक्षा पाकर शिवाजी को धर्मनिष्ठ मातृभक्त एवं महत्वाकांक्षी वीर युवक के रूप में विकास हुआ, यानी कि उनको जो भी संस्कार मिले वो अपनी माता से मिले। जब शिवाजी लगभग 12 वर्ष के थे तो उन्होंने पिताजी शाहजी तो उनके पिताजी शाहजी उन्हें और उनकी माता जीजाबाई को बीजापुर ले गए जहाँ वे सुल्तान के मुख्यमंत्री थे। उस समय तक माता जीजाबाई की शिक्षा का बालक शिवाजी पर इतना प्रभाव पड़ चुका था कि उन्होंने बीजापुर का दरबारी जीवन पसंद ना आया। उन्होंने अपने पिता का बीजापुर के सुल्तान को झुककर सलाम करना अच्छा ना लगता था। वे माता जीजाबाई से आकर दरबार की बातें और अपने पिता की आलोचना करते। माता जीजाबाई उनके स्वतंत्र विचारों की सराहना करती, उन्हें अलग राज्य स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करती जिससे आत्मसम्मान की रक्षा हो सके। शाहजी ने देखा कि बालक शिवाजी को दरबारी जीवन पसंद नहीं है तो उन्होंने जीजाबाई के साथ पूना भेज दिया। पुणे में रहकर शिवाजी स्वतंत्रता पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे और उन्होंने माता से जागीर प्रबंध की शिक्षा ग्रहण की। अब जो शिवाजी के पिताजी थे वो एक निजाम थे, उनके दरबार में नौकरी करते थे, सुल्तान थे। तो जब वो सुल्तान दरबार में आते तो वो उनको झुककर सलाम करते तो शिवाजी ये देखते तो उनको वो अच्छा ना लगता। वो अपनी माता से आकर कहते कि मुझे अपने पिताजी का इस तरह से झुक के सलाम करना अच्छा नहीं लगता था, मुझे दरबारी जीवन पसंद नहीं है। तो उनके पिताजी ने शिवाजी को और उसकी माता को पूना भेज दिया। वो पूना में रह के वहीं पे जीवन व्यतीत करने लगे, वहीं पे उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। माता जीजाबाई की प्रेरणा से शिवाजी ने छोटे छोटे किले जीतकर स्वतंत्र महाराष्ट्र राज्य स्थापित करने का प्रयास प्रारंभ कर दिया। इससे इनकी ख्याति फैल गई और आसपास के शासक उनसे डरने लगे। अब क्या करा, जो शिवाजी थे उन्होंने क्या करा, अपनी एक सेना बनाई और किले जो आसपास के किले थे उनको जीतना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ, जो आसपास के शासक थे वो उनसे डरने लगे। एक बार माता जीजाबाई ने शतरंज के खेल में शिवाजी को मात दे दी। शिवाजी ने अपनी पराजय स्वीकार की और कहा, माँ आप इस जीत के लिए मुझसे कुछ भी मांग लें। माँ बोली, अगर देना ही चाहते हो तो मुझे सिंहगढ़ का दुर्ग दो। सिंहगढ़ का पहाड़ी दुर्ग मुगलों के हाथ में था और वह अजय समझा जाता था। उदय भानु नामक एक राजपूत सरदार मुगलों की ओर से उसका प्रबंध करता था। उदय भानु के पास एक बहुत बड़ी मुगल सेना थी, वह शिवाजी को भलीभांति जानता था। अतः उन्होंने अपने मित्र तानाजी मालासुरे के पास संदेश भेजा कि माता जीजाबाई तुरंत बुला रही है। तानाजी अपने पुत्र के विवाह की तैयारी करने में लगे थे परंतु जीजाबाई का संदेश पाते हुए चल पड़े। यह ज्ञात हुआ कि उन्हें सिंहगढ़ जीतना है। अपने छोटे भाई सूर्या जी को लेकर उन्होंने 1000 सैनिकों के साथ सिंहगढ़ को घेर लिया। भयंकर युद्ध हुआ, उसमें उदय भानु और तानाजी दोनों ही मारे गए। किला मराठों के हाथों आ गया। शिवाजी को दुर्ग के अधिकार हो जाने पर हर्ष हुआ परंतु तानाजी की मृत्यु के समाचार से उनका हृदय विदीर्ण हो गया। वह माता जी जाकर रोंदे हुए कंठ से बोले, गढ़ आला पण सिंह गेला, यानी कि जो गढ़ था, सिंहगढ़ था, जो किला था वो तो हमारे पास आ गया लेकिन तानाजी नामक शेर जो था वो चला गया। माता जीजाबाई को भी तानाजी की मृत्यु से पुत्र वियोग का सब दुख हुआ। जीजाबाई ने शिवाजी की को स्त्री मात्र का आदर करने की शिक्षा दी थी, इसलिए शिवाजी ने अपने सैनिकों को विशेष रूप से आज्ञा दे रखी थी कि युद्ध में कभी भी स्त्रियों को बंदी ना बनाया जाए और यदि कभी शत्रु पक्ष की कोई स्त्री मिल जाए तो सम्मानपूर्वक उसे संरक्षकों के पास भेज दिया जाए। जब शिवाजी के सेनापति आबाजी सोनदेव ने कल्याण प्रदेश के शासक मुल्ला अहमद की सुंदर पुत्रवती को बंदी बना लिया तो शिवाजी ने उसे बंदिनी में अपनी माँ के ही दर्शन किए और उसे बड़े आदर के साथ उसके ससुर के पास भेज दिया। धर्म के संबंध में जीजाबाई बड़ी उदार हृदय थी। उनकी इसी उदारता की शिवाजी पर पूरी छाप थी। वे सभी धर्मों का सम्मान करते थे। उन्होंने आज्ञा दे रखी थी कभी युद्ध में किसी मस्जिद को क्षति ना पहुँचाई जाए, कुरान शरीफ का उचित सम्मान किया जाए। 6 जून
1674 यानी कि 1674 ईस्वी को शिवाजी का छत्रपति शिवाजी के रूप में रायगढ़ के दुर्ग में बड़ी धूमधाम के साथ राज्याभिषेक हुआ। इस समय शिवराज की जय, छत्रपति शिवाजी के साथ साथ माता जीजाबाई की जय का गगनभेदी नाद भी गूंज उठा। शिवाजी का राज्याभिषेक के 12 दिन बाद 80 वर्ष की आयु में जीजाबाई का शरीरांत हो गया, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई। एक स्वतंत्र महाराष्ट्र साम्राज्य की स्थापना का उनका सपना पूरा हो चुका था। इस कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है कि हमें जीजाबाई के सम्मान आदर्श व्यक्तित्व अपनाना चाहिए, यानी कि हमें जीजाबाई के जैसा व्यक्ति बनना चाहिए जो अपने पुत्र को अपने खुद में भी और अपने आने वाली पीढ़ियों में भी अच्छे संस्कार दे सके। तो ये जो चैप्टर था वो आपने पढ़ा और इसके आपको हम PDF भेजेंगे, उसमें इसकी एक्सरसाइज हैं जो आपको अपनी नोटबुक में करनी है। तो आपको शब्दार्थ करने हैं। शब्दार्थ में हर्ष विभोर का मतलब अत्यंत प्रसन्न होना, सोचनीय का मतलब चिंतनीय, विख्यात का मतलब प्रसिद्ध, आस्था विश्वास, क्षति का मतलब हानि, अधिष्ट आती में स्वामिनी, वियोग विच्छो, वैभव का मतलब संपन्नता, खाली स्थान भरो, एक बार डैश के अवसर पर जादव राव के यहाँ बहुत से सैनिक एकत्रित थे। तो कौन सा अवसर था? होली का अवसर था। जादव राव ने मालोजी को डैश से निकाल दिया, नौकरी से निकाल दिया। जीजाबाई ने शतरंज के खेल में डैश को मात दी। किसको मात दी थी? शिवाजी को। सिंहगढ़ का पहाड़ी दुर्ग डैश के अधिकार में था, मुगलों के अधिकार में था। शिवाजी सभी धर्मों का सम्मान करते थे। तो ये आपको भेजेंगे PDF, ये आपको अपनी नोटबुक में करनी है। थैंक यू। Have a nice day.